आज आपको पता चलेगा हाउ टू कट अदर स्काई। जो हमारे पुलिस वाले सर है वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। इसको आप करके देखो, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है उड़ान से पहले फाड़ेगा पतंग को। तो अगर आपको ढील से पेज लड़ाना है कि आपकी पतंग बिल्कुल टाइट हवा में रहे। बेटा इतना भी नहीं खुला। भाई साहब मान लीजिए मैंने किसी के नीचे भरा हुआ है और आप अपने राइट की तरफ ऐसे खींचते हुए ले जाओ। आज हम आपके लिए एक बहुत ही तगड़ी वीडियो बनाने के लिए आए हैं। आज आपको पता चलेगा हाउ टू कट अदर स्काई, और साथ ही साथ में अमनदीप भाई और मेरे और ये नितिन जी भी आज बहुत टाइम बाद आए हैं। तो एक काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन भी होने वाला है। सो अमनदीप भाई, मैं और दुबे एक टीम में हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को तो ना के बराबर कंसीडर करना चाहते वही ठीक रहेगा। मतलब वही एंड में हारना मुझे है मतलब। नहीं नहीं नहीं। तो ये अमनदीप पाजी का थोड़ा सा सेटअप है, हम तो कुछ भी नहीं ला पाए आज। ये पूरा जो है ये मांझे है, ओनली इंडियन कॉटन, और बिल्कुल इंडियन कॉटन मांझे है, बिल्कुल भी प्लास्टिक वाला कोई मांझा नहीं है इसमें। और इसके अंदर सारी पाजी की पतंगे हैं। तो अभी पाजी के काइट कलेक्शन से जो हमारे पुलिस वाले सर है वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए, और अभी बस हम स्टार्ट कर ही रहे हैं काइट फ्लाइंग। तो वो जो पुलिस वाले अंकल थे वो भी शौक थे कि बैग के अंदर है क्या। तो जब हमने उनको बताया कि इसके अंदर पतंगे हैं तो वो भी थोड़ा टाइम के लिए शौक रह गए थे। अब वो जा रहे हैं हमारे को छोड़ के। अबे साले। सो दुबे जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं सारी पतंगे उड़ेंगी, ये उड़ेंगी। तो पहला जो है ना मैच दुबे और पाजी का लगाते हैं। तो ये हमारी पूरी काइट खुल चुकी है। सो अभी हम थोड़ा सा हमारी नेशनैलिटी फील करने के लिए तिरंगा उड़ा रहे हैं। एक पतंग चेक करने का तरीका बताया था। हाँ जी, ये पतंग जब आप छाटते हैं तो आप ये देखो कि ये बिल्कुल यहाँ से जितनी एरिया में है उतनी ही वो यहाँ से होनी चाहिए। यहाँ से ज्यादा ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसी पतंग ले जो यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल बराबर हो। दूसरी चीज, आपको ये पतंग को यहाँ कोनों से पकड़ के बिल्कुल ऐसा करके दे, ये थोड़ा सा लोड होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ढीला डाला नहीं होना चाहिए, फिर पतंग बिल्कुल वजनदार नहीं रहेगी आपकी। इसको आप करके देखो, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल पतला और बिल्कुल मोटा नहीं, मीडियम। A few inches later. जब हम चले जाएंगे ना यहाँ से तब तुम हमारे से जितनी पतंगे लेने हो ले लेना। अभी जरा हमें थोड़ा सा उड़ाने दो। तो अभी कृपया करके जहाँ उड़ाते वहीं चले जाइए। बेटा इतना भी नहीं खुला, आप बहुत ज्यादा खुल रहे हो, चरखड़ी भी देते अब तुम्हें है। पाजी का कलेक्शन देख के बहुत सारे बच्चे यहाँ इकट्ठे होने लगे कि बहुत सारी पतंगे लाए वैसे करके। तो हम इनको लास्ट में थोड़ा एक दो पतंगे देके जाएंगे। दुबे चालू हो चुका है, देखिए मुझे लग रहा है उड़ान से पहले फाड़ेगा पतंग को। ये देखो हमारे बच्चे सारे दोस्त बन गए हैं। सो दुबे कह रहा है हमारे टाइम पे हवा बंद हो गई, हवा बंद हो गई, और वहाँ पाजी ने उड़ा दी है, इसीलिए कहते हैं प्रो प्रो होता है भाई, ये तो मान ले तुम। अरे पाजी यहाँ आके हमारी भी उड़ा देना। उसको कन्नी हवा में भी दे देगा फिर भी नहीं उड़ा पाएगा। तो दुबे ने जो है स्टार्टिंग में पतंग हमारी बिल्कुल काम तमाम कर दिया। तो पाजी उसको दोबारा जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था टेपिंग करनी है। इसकी स्टार्टिंग में करी नहीं थी, इसका ये हाल हुआ, और स्टार्टिंग में करी होती तो ये हाल। तो ये देखो दुबे हवा आ गई, अब आ गई हवा। तो पाजी ने हमारी वाली पतंग भी उड़ा दी है, जो कि दुबे से वो भी नहीं उड़ा था। दुबे फुसड्डी है। लो वहां पर की किसी पतंग से दुबे ने पहली पेचा कटवा दिया। हाँ आपको कुछ नहीं पता चलेगा, तो वो तो मुझे पता, तेरे को नहीं पता चलेगा भाई, पता चलना चाहिए कहाँ लगा रहा है, किसका लगा रहा है। ये क्या, वो तेरे को क्या वो रेड लाइट लेके आएगा कि मैं लगाने आ रहा हूँ। सो दुबे को ना पाजी ने अभी अपनी वाली पतंग दी थी, इसने वो भी कटवा दी। पाजी क्या कर रहा था बताइए जरा। ये देखो कभी ऐसी गलती नहीं करनी कि अगर आप ढील से पेज लड़ा रहे हो, अगर आपको खींच पे भरोसा नहीं है तो कभी ये मत करो कि सीधा ऊपर वाले के जाके आप दे दो हमारी पतंग। अगर आपको ढील से पेज लड़ाना है तो आप सबसे पहले ये कोशिश करो कि आपकी पतंग बिल्कुल टाइट हवा में रहे, ठीक है। ढीली होगी तो कोई भी खींच के ले जाएगा, फिर तो आपकी पतंग, मैंने पिछली बार ही बोला था टाइट रखनी है, टाइट रखो पतंग को, ठीक है। चक्कर कैसे भी दो, राइट दो, लेफ्ट दो, और कभी उसमें घुसो मत, उसको आने दो, ठीक है। वो आएगा भरेगा तब उसके ऊपर आप अपना ढील छोड़ो, तब जाके कटेगी पतंग उसकी। अगर आप खुद उसके ऊपर जाके ढील छोड़ोगे तो कटनी अपनी कटनी है, बेइज्जती करवा दी। भाई जब आप रेडी हो जाओ, आप जो दो बड़े तगड़े तगड़े कॉम्पिटिटर है पाजी और मैं, आप हो मैं तो हूं। पाजी कह रहा है मैं विनर हूँ, मैं कॉम्पिटिटर हूँ, पाजी विनर है। तो
गाइस पूरे ऑलमोस्ट एक साल के बाद में आ गया हूँ। बेटा अपने नियत से तू छूट गया। अब एक चीज आप बताओ, मैं जिस बंदे से पीछे लड़ाने जा रहा हूँ या वो मुझसे लड़ाने आ रहा है और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी पतंग गायब हो जा रही है मेरे नीचे रहने पर, तो इससे मैं क्या सिंबलाइज करूँ, उसकी कटी नहीं कटी। और जब से मैं आया हूँ ना मैदान पे, जब से मैंने पतंग का मांझा पकड़ा है, सारी पतंगें हट गई है, देख लो बिल्कुल एक हमारी पतंग ही है जो है। चलो 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 काट दी। यस कहाँ काट दी पाजी ने हमारी पतंग। तो पाजी ने बहुत अच्छी तरीके से हमारी इस समय एक पतंग काट दी है। सबसे बड़ी बात है आपकी टेक्निक्स 1000 लगाने वाले। सबसे पहला स्टेप आपकी पतंगबाजी में ये होता है कि आपकी पतंग का वजन हैवी होना चाहिए। अगर आपकी पतंग हवा में नहीं है तो आप भले ही 100 रुपए वाली पतंग उड़ाओ, वो आपकी पतंग कट जाएगी, कोई फायदा नहीं। तो आप थोड़ा हैवी बनाओ, थोड़ी अच्छे साइज की पतंग उड़ाओ, मंझोली से ऊपर की पतंग उड़ाओ और उसको हवा में रखो और दूसरे को आने दो, और जब वो आए आप उसको ढील दे दो। जिनको और कोई तरीका नहीं आता, ये बेस्ट तरीका है उनके लिए, आप पतंग काट दो। तो गाइस दुबे को बहुत अच्छी तरीके से सही टाइम पे दे दिया, आप देखते दुबे आप क्या कर पाता है। और मैं बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करने वाला हूँ, उसके पेचे जो कटेगी हमारी। बस पाजी और उसका चालू हो गया। जैसे कि आपको पता है दुबे की तिरंगा है, ये नीचे वाली दुबे की है, ऊपर वाली पाजी की है। भाई साहब पाजी डालने वाले हैं, बस लेने वाले हैं पाजी उसकी पतंग को, बस होने वाला दुबे की। ओह बेइज्जती करवा दी। हाँ भाई आ गया स्वाद, अब नहीं दिखाएगा मुंह। दुबे ने कुछ करा ना करा आज, बिल्कुल ये मान जा ही सही बेटर, बाकी तो कुछ सही नहीं कर रहा। पाजी ने दुबे की इतनी प्यारी पतंग काटी है, क्या बताओ। अच्छा पाजी इसमें क्या गलती रही, कुछ बताओ टिप्स दो इसमें भी। मैं आप ये कर रहे हो कि अगर मैं आपके ऊपर पतंग डाल भी रहा हूँ ना, तो आप पतंग को खींच नहीं रहे, पतंग को छोड़ रहे हो। मैं आपको पतंग ऊपर से दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं तो खींचनी पड़ेगी, ठीक है। या आप अंदर को खींचो या बाहर को खींचो या सीधा खींचो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप पता नहीं मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। मैं नहीं ये कर रहा हूं, ये कर रहा है पाजी। हमने अभी तक जितने पैसे लगाए सर कटवाए हैं, पर खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, कुछ खुशी तो है। एक ये खुशी ये है कि काइट फ्लाइंग करके एंजॉय तो आता ही है। हाँ, और बहुत टाइम बात कर रहे शायद ये भी है। A few inches later, पाजी जो है अब आपको वैसे दिखाएंगे जैसे कि काइट मैच वगैरह में भागते हुए खींच लेते हैं। ये देखो भैया दिख रहा है, पाजी दिखा रहे हैं कि जब काइट मैच वगैरह होता है कैसे वहाँ पर खींचे लिए जाते हैं। जब आपको पाजी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी 15 अगस्त जो अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है उस पर काफी हेल्प करेगी, अगर आप छत वगैरह से पतंगबाजी करते हैं तो छत के लिए क्या करना है। अब आप मारने के लिए हाथ कभी आपका रुकना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं हाथ में मांझा फंस गया और पतंग टूट जाता है मांझा भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। अगर आपका हाथ मान लो पेच में फंस जाएगा तो आपकी पतंग कटेगी और हाथ भी कटेगा। तो हाथ आपका ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप खींचो और आपका हाथ कटे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपका खींच टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपको जो खींचना है छत के हिसाब से। आप अगर आपका पेच नीचे से बैठ रहा है, दूसरा वाले की तरफ से आप नीचे से लेना चाह रहे हैं, तो आप पतंग उसके नीचे भरिए और नीचे भर के देखिए। मान लीजिए मैंने किसी के नीचे भरा हुआ है और आप अपने राइट की तरफ ऐसे खींचते हुए ले जाओ, ठीक है। और रुकना नहीं है आपका कि जब तक आपको ना लगे कि हाँ या तो आपकी कट गई या फिर सामने वाले की कट गई, तब तक रुकना नहीं है। आप चेक मत करो रुक के उसकी कटी नहीं कटी, ऐसे करोगे तो मांझा क्या है पेच लड़ा होता है और वो पतंग आपकी कट जाएगी। हमारा पेज ना कई बार फंस जाता है और किसी की भी कट नहीं रही होती, दोनों पेज उलझे होते हैं। तो आप उसमें क्या करें, पतंग के 2-3 चक्कर दें और पतंग को ऐसे ऐसे करके थपकियां दें, ऐसे ऐसे पतंग को करके आप थोड़ा सा पीछे जाके 2-3 करके थपकियां दें पतंग को, जिससे जो झटका लगेगा पतंग को वो उससे दूसरे वाले की डोर को काट। और सबसे बड़ी बात चक्कर कई लोगों से पतंग को दिए नहीं जाते, तो चक्कर के लिए आप करना थोड़ा सा आगे बांधे और देखिए चक्कर ऐसे होते हैं। ये हो गया आपका राइट का चक्कर और ये हो गया आपका लेफ्ट का चक्कर। और सीधा खींचना क्या होता है, सीधा खींचना इसमें पतंग आपकी बिल्कुल ऐसे ऐसे और पतंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए, खींचते हो जेट बना दिया पाजी ने तो पतंग। सो गाइस चांद भी निकल चुका है और हमारा व्लॉग एंड करने का भी टाइम हो चुका है और यहाँ पर मच्छर काफी ज्यादा है। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो सो यू नो एवरीथिंग क्या करना है क्या नहीं करना। और बाकी आई होप ये जो सारी पाजी ने आपको टिप्स दी है उनको आप अपने यूज में लाए, काफी तगड़ी तरीके से बाकियों के पतंग काटे और काइट फ्लाइंग को अच्छी तरीके से एंजॉय करें। बाकी सब बढ़िया है, लव यू गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग अस, हैशटैग तूफानी दे रहे तूफान मचाते रहिए बिना रुके बिना थमे। बाय बाय।
बाय बाय कर दीजिए। प्रियांशु आप क्या कर रहे हो यार, बाय बाय करो क्योंकि आप भी हो यार, बाय बाय।